हम लोग ऐसे ड्राइविंग करते कर लेते हैं बाहर हेलमेट लगा के, मतलब बाहर चल जाते हैं, मतलब घर में नहीं रहते हैं, यहाँ पर तो जाते ही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक, कहीं भी चल जाते हैं, कम से कम घर बना हुआ है तो शौचालय बनाना चाहिए। आप लोग बाहर ही जाते होंगे शौच करने के लिए, कहीं ना कहीं तो जाते हैं बाहर ही, घर में ही क्यों नहीं बनवा लेते हैं शौचालय? घर में बनवाइए, बाहर से बीमारी उमारी होता है, आप लोग अगर घर में शौचालय बनवा लेते हैं तो रोग मुक्त आप लोग रहिएगा। जो आप लोग डॉक्टर को पैसा देते हैं उतना वो तो देना नहीं पड़ेगा आपको, सरकार तो आपको पैसा नहीं देती होगी। जब आपका कोई बाल बच्चा है बीमार होता है तो सरकार तो आपको पैसा देती नहीं, बाहरी व्यक्ति आपके आया तो आपको आके पैसा नहीं देगा ना, आपको खुद से लगाना होगा। जो वहाँ डॉक्टर को आप पैसा देते हैं उतना क्यों ना वही थोड़ा थोड़ा बचा के आप शौचालय बना ले, इसमें फ़ायदा आपका ही होगा। और यहाँ पर गंदगी कहाँ फेंकते हैं आप लोग? गंदगी ऐसे मत फेंकिए, एक जगह जमा कीजिए, दो डस्टबिन रखिए, एक में गीला कचरा डालिए जैसे सब्जी ये सब होता है एक में डालिए, और एक में सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक पेपर ये सब होता है बाजार से लाते हैं आप लोग प्लास्टिक, वो सब एक में डालिए क्योंकि वो सब सड़ेगा नहीं जल्दी, प्लास्टिक के सब उड़ के इधर उधर फैल जाता है, एक जगह उधर डालिएगा तो फिर इधर से फिर इधर आ जाएगा, का फायदा हुआ फेंकने का? आप फेंके उधर हवा चला उड़ के आ गया आपके पास, तो कोई फायदा हुआ नहीं, ऐसे एक जगह जमा करिए फिर उसको बाद में जला दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक तो सड़ने जलने वाला है नहीं, उसको एक जगह जमा करिए, उसको एक जगह रख दीजिए, उसके पास जहाँ डस्टबिन डस्ट जहाँ गंदा कूड़ा कचरा जहाँ फेंका जाता है वहाँ जमा कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा आपका नाम राजू मान, राजू मांझी, कितना लोग परिवार में है? अभी देखिए आपके द्वार के सामने जो थोड़ा सा प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है, हम लोग वहाँ से साफ सफाई रोड पर से करवाते हुए आ रहे हैं, आपके भी आसपास जो प्लास्टिक वगैरह है उसको कलेक्ट कर दीजिए, एक जगह पे जमा कर दीजिए हमारे टीम के साथ, ठीक है, और हम लोग के सहयोग करके आप लोग आसपास जो गंदगी है उसको साफ़ कीजिए, और उससे क्या होगा कि हम लोग जो गंदगी देखने में अच्छा नहीं लगता है वो थोड़ा सा जो बीमारी उधर से होता है जो बैक्टीरिया वायरस आता है वो सब ठीक हो जाएगा, इससे हम लोग क्या होगा बीमारी नहीं फैलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग के सहयोग करके आसपास जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को चुन करके हम लोग एक जगह पर रख दीजिए, उसको जला दिया जाएगा या फिर उसको कहीं हम लोग जगह पर रख दिया जाएगा, ठीक है।